देश के टैलेंटेड बच्चों, कैसी चल रही है पढ़ाई? देखिए, काइनेमेटिक्स में हम लोगों ने बहुत सारे इक्वेशंस डेराइव किए और उन पर बेस्ड कुछ बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स भी लगाए, बट उनमें मैंने एक पर्टिकुलर इक्वेशन छोड़ रखा था और बोला था कि इसको किसी दूसरी वीडियो में हम देखेंगे। तो इस वीडियो में हम उसी इक्वेशन को डेराइव भी करेंगे और उस पर बेस्ड कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। तो काइनेमेटिक्स में हमने बहुत सारे इक्वेशंस डेराइव किए थे। क्या क्या थे वे इक्वेशंस? जैसे पहला इक्वेशन था वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दूसरा इक्वेशन था एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इस वीडियो में इसी दूसरे इक्वेशन से कॉन्सेंट्रेट करना शुरू करते हैं। ये जो इक्वेशन एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हमें मिला था, ये बेसिकली क्या था? ये इक्वेशन हमें ये बताता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल की जर्नी इनिशियल वेलोसिटी यू से शुरू हो और अगर हम उसको टी टाइम तक ऑब्जर्व करें और अगर उसका मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो, यानी उस पर लगातार एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए लगता रहे, तो टी टाइम में ट्रेवल्ड डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल्स टू होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है और ऑब्जेक्ट रुकने के बाद वापस नहीं आता, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों इक्वल होता है। तो हम इस फॉर्मूले में यह भी कह सकते हैं कि यह फॉर्मूला बेसिकली टी टाइम में ट्रेवल डिस्टेंस का फॉर्मूला है। तो टी समय में चली गई दूरी के लिए हमारे पास में सूत्र है एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बट अब अगर आपसे पूछा जाए कि आप टोटल टी टाइम में ट्रेवल डिस्टेंस कैलकुलेट करने की बजाय आप टी वे सेकेंड में ट्रेवल डिस्टेंस बताओ, तो टी समय में चली गई दूरी और टी वे समय में चली गई दूरी में बहुत बड़ा फर्क है। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि भाई आपने 7 डेज एक हफ्ते पढ़ाई करी, इसका मतलब आपने सोमवार भी पढ़ा, मंगलवार भी पढ़ा, बुधवार भी पढ़ा, इस तरह से संडे तक आपने पढ़ाई करी, तो टोटल एक हफ्ते आपने पढ़ाई करी इसमें। और अगर आपसे कहा जाए कि आपने 7 दिन पढ़ने की बजाय 7वें दिन पढ़ा, क्या इन दोनों बातों में फर्क है? बिल्कुल फर्क है। 7 दिन पढ़ने का मतलब लगातार 7 दिन पढ़ना होता है और 7वें दिन पढ़ने का मतलब हुआ सिर्फ लास्ट डे, यानी सिर्फ मैंने संडे को पढ़ाई करी। तो 7 दिन पढ़ने में और 7वें दिन पढ़ने में जिस तरह से फर्क है, उसी तरह से टी समय में चली गई दूरी और टी वे समय में चली गई दूरी में भी फर्क है। तो अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग टी वे सेकेंड में चली गई दूरी का एक फॉर्मूला डेराइव करेंगे और उस पर बेश कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। तो देखिए बहुत ही ध्यान से, सपोज इनिशियल वेलोसिटी यू से कोई भी पार्टिकल मोशन करना शुरू करता है और इसका मोशन कैसा है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, यानी इस पर लगातार एक एक्सेलरेशन एक्ट करता रहेगा और कैसा होगा वो? कांस्टेंट। अब अगर हम इसके टी टाइम तक की जर्नी को देखें तो टी टाइम में ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करेगा, उसका फॉर्मूला भी है हमारे पास एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बट इसकी जर्नी को अगर हम सेकेंड बाई सेकेंड देखें, पहले सेकेंड में सपोज ये ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंच जाता है, ये प्रथम सेकेंड फर्स्ट सेकेंड में ट्रेवल डिस्टेंस है। अगर मोशन एक्सेलरेटेड है तो उसकी स्पीड लगातार क्या होगी? बढ़ेगी। फिर अगर हम सेकेंड सेकेंड यानी दूसरे सेकेंड में ट्रेवल डिस्टेंस को देखें तो वो इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि स्पीड क्या हो चुकी है? बढ़ चुकी है। तो मान लेते हैं हम ये सेकेंड सेकेंड में बी से कहां पहुंच जाता है? सी पे पहुंच जाता है। वैसे ही थर्ड सेकेंड में ये और ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। इस तरह से करते करते मान लेते हैं ये यहां से यहां तक लास्ट सेकेंड या टीएथ सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल करता है। अगर हम इसकी जर्नी को सिर्फ टी सेकेंड तक ऑब्जर्व करें तो टी वां सेकेंड ही इसकी गति का अंतिमवां सेकेंड होगा। जैसे अगर किसी पार्टिकल के मोशन को हम 10 सेकेंड तक देख रहे हैं तो 10वां सेकेंड उसकी गति का अंतिमवां सेकेंड होगा। अगर हम उसकी जर्नी को 20 सेकेंड तक देख रहे हैं तो 20वां सेकेंड उसकी जर्नी का अंतिमवां सेकेंड होगा। इन जनरल उसी तरह से अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की जर्नी को टी सेकेंड तक देख रहे हैं तो टीवां सेकेंड उसकी गति का अंतिमवां सेकेंड होगा। टीवां सेकेंड की जगह हम एनथ सेकेंड भी बोल सकते हैं, एनवां सेकेंड भी बोल सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइनल जो फॉर्मूला आएगा उसमें टी की जगह अगर आप एन रख देंगे तो वो एनथ सेकेंड में ट्रेवल डिस्टेंस हो जाएगी। तो ये समझ में आ रहा है आपको कि जो टीएथ सेकेंड है और अगर टी सेकेंड तक ही इसकी जर्नी हो रही है तो टीएथ सेकेंड ही लास्ट सेकेंड होगा। ये सिर्फ 1 सेकेंड का ड्यूरेशन है। एक पर्टिकुलर जो घड़ी का सेकेंड वाला सुई होता है वो एक टिक करेगा 1 सेकेंड के ड्यूरेशन में
इसके द्वारा ये चली गई दूरी, इसको एस टी एथ मान लेते हैं, जो हमें कैलकुलेट करनी है। तो आप देख सकते हैं टी समय में चली गई दूरी ये होगी पूरी, ये पूरी यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या है, ये टी सेकेंड में या टी समय में चली गई दूरी है, और ये वाली डिस्टेंस कौन सी डिस्टेंस है, ये टीएथ सेकेंड या फिर लास्ट सेकेंड में ट्रेवल डिस्टेंस है। तो आप देख सकते हैं लास्ट सेकेंड में जो चली गई दूरी है यानी एस टीएथ, वो पूरी दूरी का एक पार्ट है, एक टुकड़ा है, एक छोटा सा हिस्सा है। तो हमें एस टीएथ कैलकुलेट करना है। अब ये एस टीएथ कैसे कैलकुलेट होगा उसको देखते हैं। अगर आपसे कहें कि भाई आप सातवें दिन आपने कितनी स्टडी करी, अगर आप लगातार स्टडी कर रहे हैं और मंडे से आपने अपनी स्टडी करनी शुरू करी और आपसे पूछा जाए कि भाई आपने संडे के दिन कितनी पढ़ाई करी, वो आप कैलकुलेट करो। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, टोटल आपने सात दिन तक कितनी पढ़ाई करी उसमें से अगर आपने छह दिन तक कितनी स्टडी करी है उसको घटा दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, तो आप सेवेंथ डे पे सातवें दिन आपने कितनी स्टडी करी है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक वही बेसिक सा प्रिंसिपल इसमें भी लगाएंगे। एस टी एथ को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस चली गई दूरी यानी टी समय में चली गई दूरी में से इसके जस्ट पहले तक का टाइम कितना होगा, टोटल टाइम है टी, हम सेकेंड बाई सेकेंड इसकी जर्नी को अगर बांटे तो ये अंतिमवा सेकेंड है, यानी इसके पहले तक का टाइम जो है वो होगा टी माइनस वन सेकेंड। बस क्या करेंगे, इस लास्ट वाले एक सेकेंड को माइनस कर देंगे टोटल टाइम में से। तो अगर टी समय में चली गई दूरी में से टी माइनस वन सेकेंड में या टी माइनस वन समय में चली गई दूरी को हम माइनस कर दें तो हम टीएथ सेकेंड में या अंतिमवें सेकेंड में चली गई दूरी को कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले टी सेकेंड में चली गई दूरी निकालते हैं। चलिए बेसिक से लिख देते हैं अच्छे से, टी समय में चली गई दूरी, ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपको ना हो। टी समय में चली गई दूरी कितनी होगी, टी समय में चली गई दूरी इसको एस टी लिखा जाए, इसी का तो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर स्टार वन। एक सेकेंड छोड़कर यानी कि टी माइनस वन समय में चली गई दूरी अगर हम लें और इसको एस टी माइनस वन कहें तो ये कितना होगा, जस्ट इसी फॉर्मूले में टी के स्थान पर हमें क्या पुट करना होगा, टी माइनस वन पुट करना होगा। तो ये आएगा यू टी माइनस वन प्लस हाफ ए टी माइनस वन का स्क्वायर, ये है इक्वेशन नंबर स्टार टू। अब अगर हम इस दूरी में से इस वाली दूरी को माइनस कर दें, ये टोटल दूरी है एस टी समय में, उसमें से यहां तक यानी टी माइनस वन समय में चली गई दूरी को अगर हम माइनस कर दें तो हमें जो दूरी मिलेगी वो टीएथ सेकेंड में या अंतिमवें सेकेंड में चली गई दूरी होगी। तो यहां देखिए एस टी एथ इज इक्वल्स टू एस टी माइनस एस टी माइनस वन। अब बस इसमें बेसिक सा हमें स्टेप सॉल्व करना है, एस टी की वैल्यू पहले लिख लेते हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें से हमें माइनस करना है u t माइनस वन प्लस हाफ ए टी माइनस वन स्क्वायर। तो इसमें पहले u से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस u से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो क्या होगा, u t माइनस u प्लस हाफ a, इसमें भी a माइनस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाकर इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। तो ये हुआ हमारा t स्क्वायर प्लस वन माइनस टू टी। अब इस ब्रैकेट को खोल देते हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस यू टी माइनस माइनस प्लस यू माइनस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस वन माइनस टू टी, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ है और सारे टर्म्स के जो साइन है वो चेंज हो गए हैं। कुछ कटेगा यहां से यू टी कैंसिल इसमें, और इसमें आप देख सकते हैं हाफ ए कॉमन है, तो पहले जो u बचा है इसको लिख लेते हैं और इन दोनों में से हाफ है जो कॉमन है उसको कॉमन ले लेते हैं। तो यहां से बचेगा t स्क्वायर और यहां माइनस है तो यहां भी इन सारे टर्म्स के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, ये आएगा माइनस टी स्क्वायर माइनस वन माइनस माइनस प्लस टू टी, फिर कुछ और कटेगा ये भी कट जाएगा, तो फाइनली बचेगा टू टी माइनस वन। तो फाइनल जो हमें फॉर्मूला मिलेगा वो हमें मिलेगा कुछ इस फॉर्म में, एस टी एथ यानी कि टीवें सेकेंड में चली गई दूरी एस टी एथ या गति के अंतिमवें सेकेंड में चली गई दूरी का फॉर्मूला हमें मिलेगा
यू प्लस हाफ ए टू टी माइनस वन। ये है गति के अंतिमवें सेकेंड या टीवें सेकेंड में चली गई दूरी का फॉर्मूला। अगर टीवें सेकेंड की जगह हम एनएथ सेकेंड बोलें तो एनएथ सेकेंड का भी फॉर्मूला इसी तरीके से आप लिख सकते हैं, यू प्लस हाफ ए। बस यहां पे जो हम लोगों ने टू टी माइनस वन किया है उसकी जगह हम टू एन माइनस वन कर देंगे। इसी तरह से अगर पी एथ सेकेंड बोला जाए, क्यू एथ सेकेंड बोला जाए, तो आप पी और क्यू वैल्यू पुट करके टी की जगह आप उसमें भी फॉर्मूला बना सकते हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम टी वां सेकेंड बोलते हैं कि हम एन वां सेकेंड बोलते हैं, फॉर्मूले का जो फॉर्मेट है वो सेम रहेगा। तो ये आपको फॉर्मूले का प्रूफ क्लियर हुआ कि हम लोगों ने इस फॉर्मूले को कैसे डिराइव किया है। तो ऐसा बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। टी समय में चली गई दूरी में से टी माइनस वन समय में चली गई दूरी को हम लोगों ने माइनस कर दिया है, उसे टीवें समय में या गति के अंतिमवें सेकेंड में चली गई दूरी का फॉर्मूला हमें मिल गया। और क्या फॉर्मूला मिला? यू प्लस हाफ ए टू टी माइनस वन। जैसे दसवें सेकेंड में चली गई दूरी अगर कैलकुलेट करने के लिए पूछी जाएगी तो टी की वैल्यू 10 पुट करेंगे। कुछ बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि सर ये जब लास्ट सेकेंड में चली गई दूरी है, एक सेकेंड में ही चली गई दूरी है, तो इसमें टी की जगह आप वन क्यों नहीं पुट कर रहे? आप इसके प्रूफ में देखिए, इसमें टी क्या है? इसमें टी टोटल टाइम ऑफ जर्नी है। और फिर हम लोगों ने सॉल्व करके जब ये फाइनल फॉर्मूला निकाला है तो इसमें टी भी टोटल टाइम ऑफ जर्नी ही होगा। हालांकि ये फॉर्मूला हमें, जैसे टी की वैल्यू अगर हम 10 पुट करें, तो टी की वैल्यू 10 पुट करेंगे तो ये जो हमें डिस्टेंस मिलेगा वो 10th सेकेंड में, 10वें सेकेंड में चली गई दूरी का होगा। ऐसे अगर टी की जगह इसमें हम 20 पुट करेंगे तो 20वें सेकेंड में चली गई दूरी का हमें फॉर्मूला मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि इसमें टी की जगह आपको 1 पुट करना है, जितना भी सेकेंड दिया जाए आप टी की वैल्यू उतनी ही पुट करेंगे। जैसे अगर 9th सेकेंड में चली गई दूरी पूछी जाए तो टी की जगह 9th पुट करेंगे, 5th सेकेंड में चली गई दूरी पूछी जाए तो टी की जगह 5 पुट करेंगे। क्लियर हो गया आपको कि फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है और उसमें टी की जगह हमें एक नहीं पुट करना, जो भी सेकेंड हमसे पूछा जाएगा टाइम की वही वैल्यू पुट करनी है। अब इस पे कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन देखते हैं और कुछ अच्छे क्वेश्चंस लगाते हैं। अब पहले कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देखते हैं, इंपॉर्टेंट नोट नंबर वन। सपोज किसी पार्टिकल की जर्नी रेस्ट यानी यू इज इक्वल टू जीरो से शुरू होती है और इसका मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, यानी इस पर लगातार एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है। अगर हम आपसे पूछें कि इसकी जर्नी के, इसकी गति के प्रथम सेकेंड, द्वितीय सेकेंड, तृतीय सेकेंड यानी फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड, फोर्थ सेकेंड, फिफ्थ सेकेंड में जो डिस्टेंसेस ये ट्रेवल करेगा आप उसका रेशियो कैलकुलेट करो। उसका रेशियो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए फर्स्ट सेकेंड में जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, सपोज उसको S1 मान लेते हैं, फिर सेकेंड सेकेंड में जो भी ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो तो इससे ज्यादा ही होगा। क्यों? क्योंकि मोशन कैसा है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, लगातार इसकी स्पीड क्या होगी? बढ़ेगी। तो अगले सेकेंड में ये पिछले वाले सेकेंड की अपेक्षा ज्यादा दूरी तय करेगा, इसको मान लेते हैं S2। वैसे ही थर्ड सेकेंड में ये जो भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो इससे भी ज्यादा होगा, उसको मान लेते हैं S3। ये कौन सा सेकेंड है? फर्स्ट सेकेंड। ये कौन सा सेकेंड है? सेकेंड सेकेंड। ये कौन सा सेकेंड है? थर्ड सेकेंड। तो इसमें हम लोगों को कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? किसी विशेष सेकेंड में, एनएथ सेकेंड में या टीएथ सेकेंड में चली गई दूरी का फॉर्मूला हमें यूज करना है। क्या होता है फॉर्मूला? एस इज इक्वल्स टू यू प्लस हाफ ए टू टी माइनस वन। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, सिंस यहाँ यू की वैल्यू क्या है? जीरो। तो हमें अब फॉर्मूला मिलेगा एस इज इक्वल्स टू हाफ ए टू टी माइनस वन। अब इसमें फर्स्ट सेकेंड में ट्रेवल डिस्टेंस को कैलकुलेट किया जाए। S1 देखिए कितना आएगा? हाफ। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें गिवेन नहीं है तो ए मान लेते हैं। फर्स्ट सेकेंड में ट्रेवल डिस्टेंस होगा 2 इंटू टी की जगह 1 पुट करेंगे, माइनस 1। तो 2 इंटू 1 2, माइनस 1 1, यानी ये आएगा हाफ ए के इक्वल। वैसे ही अगर हम सेकेंड सेकेंड में ट्रेवल डिस्टेंस देखें तो ये आएगा हाफ ए 2 इंटू टी की वैल्यू क्या पुट करेंगे? टी की वैल्यू 2 पुट करेंगे क्योंकि दूसरे सेकेंड में हमें चली गई दूरी कैलकुलेट करनी है। तो 2 इंटू 2 माइनस 1 4, माइनस 1 3, ये आ गया हाफ ए इंटू 3। वैसे ही थर्ड सेकेंड में ट्रेवल डिस्टेंस S3 कितना होगा? हाफ ए 2 इंटू टी की वैल्यू कितनी पुट करेंगे? 3 पुट करेंगे क्योंकि थर्ड सेकेंड में ट्रेवल डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर रहे हैं।
सिक्स माइनस वन कितना जाएगा, फाइव, ये आ गया हाफ ए इंटू फाइव। अब इसी से आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा। अब अगर हम एस वन रेशियो एस टू रेशियो एस थ्री कैलकुलेट करें, तो कैलकुलेट करने में अगर हम रेशियो कैलकुलेट करते हैं और हमें कोई कॉमन चीज मिलती हो तो हम उसे उड़ा सकते हैं। तो हाफ ए कैंसिल, ये आएगा वन रेशियो थ्री रेशियो फाइव। और ये जो रिजल्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, हो सके तो आप इसे याद रखो। ये याद रहेगा तो छोटे मोटे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। आप बता सकते हैं इसी तरह से एस फोर कितना आएगा, एस फाइव कितना आएगा, ये कौन सा प्रोग्रेशन है, ये अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है। इसके बाद आएगा सेवन, इसके बाद आएगा नाइन, उसके बाद आएगा इलेवन। अब मान लीजिए इसी में आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई यूज इक्वल्स टू जीरो से कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, आप फिफ्थ सेकेंड में ट्रेवल डिस्टेंस और फोर्थ सेकेंड में ट्रेवल डिस्टेंस का रेशियो बता दो। तो उसी तरह से अगर इसको हम आगे बढ़ाएं तो क्या होगा, वन थ्री फाइव सेवन नाइन, ये है वन टू थ्री फोर फाइव, ये है फिफ्थ सेकेंड में ट्रेवल डिस्टेंस और ये है फोर्थ सेकेंड में ट्रेवल डिस्टेंस। ये रेशियो है, ये एक्चुअल डिस्टेंस नहीं है। इसको आप नाइन के और इसको आप सेवन के मान सकते हो, पर जब हम रेशियो निकालेंगे तो के कैंसिल हो जाएगा। तो एस फाइव डिवाइडेड बाई एस फोर यानी इनका रेशियो आएगा नाइन अपॉन सेवन यानी नाइन रेशियो सेवन। तो ऐसे ऑप्शन आपको मिलेंगे, नाइन रेशियो सेवन, सेवन रेशियो नाइन, फाइव रेशियो सेवन, सेवन रेशियो फाइव। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे। किसी भी पर्टिकुलर सेकेंड में ट्रेवल डिस्टेंस का, किसी दूसरे पर्टिकुलर सेकेंड में ट्रेवल डिस्टेंस अगर रेशियो पूछा जाए तो आप इसी के अकॉर्डिंग तुरंत उसको बता सकते हैं। तो ये था इंपॉर्टेंट नोट नंबर वन। अब बढ़ते हैं आगे इंपॉर्टेंट नोट नंबर टू देखते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट नोट नंबर टू क्या है। फिर से सपोज जर्नी यूज इक्वल्स टू जीरो से शुरू होती है और फिर से वही यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। सपोज हम इसको टी टाइम तक ऑब्जर्व करते हैं, कितने टाइम तक, टी टाइम तक। तो फर्स्ट सेकेंड में जो इसके द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस होगा और जो लास्ट सेकेंड, लास्ट सेकेंड कौन सा सेकेंड होगा, अगर टी टाइम तक इसकी जर्नी हो रही है तो टीएफ सेकेंड, टीवा सेकेंड ही इसकी गति का अंतिमवा सेकेंड होगा। अगर हम टीएफ सेकेंड में ट्रेवल डिस्टेंस और फर्स्ट सेकेंड में ट्रेवल डिस्टेंस को अगर कैलकुलेट करें और उनका रेशियो निकालें तो देखते हैं रेशियो कितना आता है। लास्ट सेकेंड यानी टीएफ सेकेंड में जो ट्रेवल डिस्टेंस होगी उसको कैलकुलेट करेंगे और फर्स्ट सेकेंड में जो ट्रेवल डिस्टेंस है उसको कैलकुलेट करेंगे। मोशन कैसा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, यू की वैल्यू कितनी है, जीरो। तो एस इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है, यू प्लस यू की वैल्यू जीरो कर देते हैं तो हमें मिलेगा हाफ ए टू टी माइनस वन। फर्स्ट सेकेंड में जो ट्रेवल डिस्टेंस होगी एस फर्स्ट, वो होगा हाफ ए टू इंटू वन माइनस वन, दैट इज हाफ ए। और टी एफ सेकेंड या जो लास्ट सेकेंड है उसमें ट्रेवल डिस्टेंस कितनी आएगी वो भी देखते हैं। हाफ ए ये होगा टू टी माइनस वन, टी की वैल्यू टी ही पुट करेंगे क्योंकि जनरल टाइम टी की बात हो रही है। अब अगर यहां से हम एस फर्स्ट डिवाइडेड बाई एस टी एफ कैलकुलेट करें तो ये कितना आएगा, हाफ ए, और ये है हाफ ए टू टी माइनस वन। तो ये हाफ ए से हाफ ए कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा वन अपॉन टू टी माइनस वन। यानी फर्स्ट सेकेंड रेशियो टी एफ सेकेंड में ट्रेवल डिस्टेंस का जो रेशियो है वो वन रेशियो टू टी माइनस वन के इक्वल होगा। ये भी चाहे तो आप रिजल्ट याद कर सकते हैं, ये भी रिजल्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। जैसे आपसे अगर इसी पर छोटा सा क्वेश्चन बनाकर पूछा जाए, यूज इक्वल्स टू जीरो से किसी भी पार्टिकल का, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन शुरू होता है, वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन करता है, उसके द्वारा फर्स्ट सेकेंड और टेंथ सेकेंड में ट्रेवल डिस्टेंस का रेशियो बताओ। ये बताइए टेंथ सेकेंड में वो फर्स्ट सेकेंड के कंपैरिजन में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा या कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। स्वाभाविक सी बात है अगर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है तो उसकी वेलोसिटी लगातार क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो नाइन्थ सेकेंड के बाद अच्छी खासी स्पीड पकड़ चुका होगा तो टेंथ सेकेंड में वो इसके कंपेरिजन में बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो इस रेशियो में ये वाली वैल्यू ज्यादा आनी चाहिए और ये वाली वैल्यू तो खैर वन है ही। अगर हम टेंथ सेकेंड और फर्स्ट सेकेंड कैलकुलेट करके रेशियो निकालें तो फर्स्ट सेकेंड डिवाइडेड बाई अगर टेंथ सेकेंड में ट्रेवल डिस्टेंस का रेशियो देखा जाए तो इसके अकॉर्डिंग वो कितना जाएगा, वन अपॉन टी की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, टेन, टेन इंटू टू ट्वेंटी माइनस वन यानी कि नाइनटीन, ये होगा हमारा आंसर। यानी फर्स्ट सेकेंड में वो जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसका 19 गुना ज्यादा डिस्टेंस वो टेंथ सेकेंड में ट्रेवल करेगा।
क्लियर हो गया आपको कि ये हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया और इस पर कैसे छोटे छोटे क्वेश्चन सेट किए जा सकते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट देख लेते हैं जल्दी से। इसमें हमें क्या सीखना है, क्या समझना है कि टोटल अगर हम टी सेकेंड तक इसकी जर्नी देखें, किसी विशेष सेकेंड की बात नहीं हो रही, टोटल हम टी टाइम तक अगर जर्नी देखें तो उसमें, और टीएथ सेकेंड तक अगर हम जर्नी देखें तो उसमें क्या रेशियो आता है। तो फिर से कंडीशन वही है, यह है इंपॉर्टेंट नोट नंबर थ्री। फिर से u इज इक्वल टू जीरो है, मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होने वाला है, और अगर टोटल टी टाइम तक हम इसको ऑब्जर्व करें और टोटल टी टाइम में ट्रेवल डिस्टेंस देखें तो एस टी की वैल्यू क्या होती है भाई, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें u की वैल्यू अगर आप जीरो पुट करोगे तो यहां से आपको मिलेगा एस टी इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। ये तो पहले का ही पढ़ा हुआ फॉर्मूला है। अब अगर हम सिर्फ टी एफ सेकेंड या लास्ट सेकेंड में ट्रेवल डिस्टेंस को देखें तो एस टी एफ कितना आएगा, ये होता है u प्लस हाफ ए टू टी माइनस वन। यू की वैल्यू जीरो पुट कर देते हैं, हाफ ए टू टी माइनस वन केवल बचेगा। अब अगर हम इन दोनों का रेशियो देखें, ये रेशियो कौन सा रेशियो, क्लियर हो रहा है कुछ, टोटल टी समय में चली गई दूरी और टी वे सेकेंड में चली गई दूरी का हम रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हाफ ए कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहां से एस टी डिवाइडेड बाई एस टी एथ, नोटेशन को ध्यान से देखिए, एस टी मतलब टोटल टी समय में चली गई दूरी है और एस टी एथ का मतलब है टी वे सेकेंड में चली गई दूरी है या गति का ये अंतिमवा सेकेंड है। ये कितना आएगा, ये आएगा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू टी माइनस वन। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ऐसे भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। तो ये अगर आपको याद होता है तो ठीक, नहीं तो आप तुरंत कैलकुलेट करके भी इस रेशियो को निकाल सकते हैं। अब इस रिजल्ट्स पे, इन रिजल्ट्स पे और ये जो हम लोगों ने फॉर्मूला भी डिराइव किया है इस पे, कुछ बेसिक बेसिक से क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं। लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन देखा जाए क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोई पार्टिकल 5 मीटर पर सेकेंड से अपनी जर्नी शुरू करता है और मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है और एक्सेलरेशन की वैल्यू भी गिवन है, कितनी, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमसे कह रहा है कि आप 10th सेकेंड में कितना डिस्टेंस ये पार्टिकल ट्रेवल करेगा वो कैलकुलेट करके बता दो। 10th सेकेंड गति का एक विशेष सेकेंड है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एस इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टू टी माइनस वन। एस इज इक्वल टू यू की वैल्यू कितनी है 5, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है 2, टी की वैल्यू कितना पुट करेंगे, अगर 10वें सेकंड में चली गई दूरी पूछ रहा है तो टी की जगह 10 ही पुट करेंगे, माइनस 1। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, एस इज इक्वल टू आएगा 5 प्लस ये कितना होगा 19, और 19 और 5 24 मीटर। ये हुआ हमारा आंसर। एक छोटा सा क्वेश्चन और देखते हैं। कभी कभी एक्सेलरेशन की जगह रिटार्डेशन भी हमें मिल सकता है, तो अगर ऑब्जेक्ट का मोशन यूनिफॉर्मली रिटार्डेटेड मोशन होगा तो भी हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, बट ए की वैल्यू माइनस में पुट करेंगे, क्योंकि अगर रिटार्डेशन है तो पक्का है उसका जो डायरेक्शन होगा वो वेलोसिटी के अपोजिट होगा। तो सपोज यू इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड है, एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवेन है माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ऑब्जेक्ट पे लगातार एक रिटार्डेशन लग रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, तो वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस में लेंगे। और हमसे कह रहा है कि आप 5th सेकेंड में, कौन से सेकेंड में, 5th सेकेंड में ट्रैवल डिस्टेंस कैलकुलेट करके बता दीजिए। तो सॉल्व करते हैं, एस इज इक्वल्स टू यू प्लस हाफ ए टू टी माइनस वन, यही फॉर्मूला यूज करेंगे। यू की वैल्यू कितनी 10, एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस 2 क्योंकि ये रिटार्डेशन है, टी की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 5, 2 इंटू 5 माइनस 1, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल, 10 माइनस 5 इंटू 2 10 माइनस 1 यानी 9, तो ये आएगा माइनस 9, ये एस इज इक्वल टू आ जाएगा 1 मीटर, यानी गति के 10वें सेकेंड में इसके द्वारा चली गई दूरी 1 मीटर होगी। तो ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, बेसिक बेसिक से क्वेश्चन है। अब थोड़े अच्छे सवाल देखते हैं, अच्छे क्वेश्चन करते हैं। अब जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे वो एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि ये कोई मीनार है और इसके टॉप से किसी पार्टिकल को जस्ट ड्रॉप किया जाता है, छोड़ा जाता है, दैट मीन्स u इक्वल्स टू कितना होगा 0। क्या होगा, ये फ्री फॉल होगा और इस पर जो एक्सेलरेशन लगेगा वो होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी वैल्यू 10 ले लेते हैं,
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीनार की जो हाइट है ये है एच। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि ये अपनी जर्नी के लास्ट सेकंड में, सपोज अगर इसकी जर्नी 10 सेकंड तक हो रही है तो 10वें सेकंड में, अगर इसकी जर्नी 5 सेकंड तक ही हो रही है तो 5th सेकंड में, और अगर इन जनरल इसकी जर्नी t सेकंड तक हो रही है तो tth सेकंड में, गति के अंतिमवें सेकंड में। गति के ये अंतिमवें सेकंड में जो ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो पूरी दूरी का, पूरी डिस्टेंस का एक पार्ट होगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये लास्ट सेकंड में पूरी मीनार की हाइट का सिर्फ 9/25 पार्ट ट्रेवल करता है। गति के अंतिमवें सेकंड में इसके द्वारा जो चली गई दूरी है वो क्या है, मीनार की ऊंचाई का 9/25 भाग है। यानी अगर ये h है तो लास्ट सेकंड में ये 9h/25 इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, और इसकी पूरी जर्नी को हम कितना टाइम में कवर अप करता हुआ मान लिया जाए, t टाइम में मान लिया जाए। सपोज कर लेते हैं कि ये पार्टिकल यहां से यहां तक गिरने में टोटल कितना टाइम लेता है, t टाइम लेता है। तो tth सेकेंड में इसके द्वारा जो ट्रेवल डिस्टेंस है वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 9h/25 है, ये क्वेश्चन में गिवन है। हमसे कह रहा है कि आप टी कैलकुलेट करके बताओ इसकी टोटल टाइम ऑफ जर्नी कितनी है, और आप मीनार की हाइट कैलकुलेट करके बता दो। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया। यू बराबर जीरो से किसी भी मीनार की चोटी से किसी भी पार्टिकल को छोड़ा जाता है, वो गति के अंतिमवें सेकंड में मीनार की कुल ऊंचाई का 9/25 भाग ट्रेवल करता है। तो हमें यात्रा की संपूर्ण, यात्रा का संपूर्ण समय बताना है और मीनार की हाइट कैलकुलेट करना है। तो अगर हम इसकी टोटल जर्नी को देखें और ये फॉर्मूला लगाएं, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एस की वैल्यू कितनी होगी, एच होगी, यू की वैल्यू कितनी है, जीरो, एक्सेलरेशन कितना होगा, जी, और टोटल टाइम हम लोगों ने कितना मान रखा है, टी मान रखा है। तो यहां से एच की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, हाफ जी टी स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब अगर हम सिर्फ टीएथ सेकेंड में ट्रेवल डिस्टेंस को देखें तब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एस इज इक्वल्स टू यू प्लस हाफ ए 2t-1। एस की जगह कितना है, 9h/25, यू की वैल्यू कितनी है, जीरो, हाफ एक्सेलरेशन की वैल्यू जी, और टी की वैल्यू तो टी ही पुट करेंगे क्योंकि इन जनरल टीएथ सेकंड ही गति का अंतिमवा सेकंड होगा। यहां से अब एच की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से इसमें पुट कर देते हैं, 9/25, और ये जो एच है इसकी जगह पे हम लोगों ने क्या पुट कर दिया, हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू RHS में तो जीरो है, यहाँ हाफ जी 2t-1 हमें मिलेगा, हाफ जी से हाफ जी कैंसिल। अब इस 25 को उधर ले जाते हैं तो यहां बचेगा 9t² 25 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये आएगा 50t-25। इन दोनों को अगर हम LHS में बुला लें तो हमें एक अच्छा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, 90² - 50t + 25 इज इक्वल्स टू जीरो। ये टी में कैसा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के लिए पहले फैक्टर वाला मेथड ट्राई करते हैं। तो फैक्टर वाला मेथड ट्राई करने के लिए सबसे पहले 25 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 25 इंटू 9 कितना होगा, 225। फिर अगर हम इसका फैक्टर करें, 5 से ही पहले कटाएं इसको, 45 आएगा। देखिए 45 और 5, हमें 50 मिल रहा है तो बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, तुरंत फैक्टर हो गया। क्या फैक्टर होगा, 90² - 45t - 5t और +25 इज इक्वल्स टू जीरो। यहां से 90 कॉमन, t-5, यहां से -5 कॉमन, t-5 इज इक्वल्स टू जीरो। फिर दोनों में से t-5 कॉमन, यहां होगा 90-5 इज इक्वल्स टू जीरो। अब पहले वाले को जीरो करेंगे तो हमें टाइम की एक वैल्यू मिलेगी, और दूसरे वाले को जीरो करेंगे तो टाइम की एक दूसरी वैल्यू मिलेगी। पहले इसको जीरो करके जो टाइम की वैल्यू आएगी उस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए, 90-5 इज इक्वल टू जीरो आप करोगे तो टी की वैल्यू कितनी मिलेगी, 5/9 सेकेंड। 5/9 1 से छोटा है, <1 है, तो ये जो टाइम की हमें वैल्यू मिल रही है ये वैल्यू मान्य नहीं है, फर्जी वैल्यू है। कैसे फर्जी हो गई है, क्योंकि लास्ट सेकेंड में जो ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो टोटल डिस्टेंस का 9/25 पार्ट है, यानी कम से कम इसकी जर्नी 1 सेकेंड तक तो हो ही रही है। जब लास्ट सेकेंड में ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इसका मतलब 1 सेकेंड तक एटलीस्ट तो इसकी जर्नी हो ही रही है।
इनफैक्ट एक सेकंड से ज्यादा इसकी जर्नी होगी, बट यहां जो टाइम आ रहा है वो तो एक सेकंड से भी छोटा है। तो एक सेकंड से छोटा का टाइम पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि जर्नी जब भी होगी एटलीस्ट एक सेकंड तक की तो होगी। तो टाइम की ये जो वैल्यू एक सेकंड से भी हमें कम मिल रही है, ये अब्रप्ट वैल्यू है, इसको हम इनवैलिड वैल्यू, इसको छोड़ देंगे। तो जब इसको हम जीरो करेंगे तो हमें टाइम की क्या वैल्यू मिलेगी, 5 सेकेंड। ये है हमारा एक्चुअल टाइम। ये कौन सा टाइम है, इस पार्टिकल के यहां से यहां तक गिरने का टाइम है। तो पहली चीज जो हमें कैलकुलेट करनी थी वो मिल गई, कितनी, 5 सेकेंड। अब हम इसकी वैल्यू को एस का जो हम लोगों ने एक इक्वेशन निकाला था, इक्वेशन नंबर वन, उस इक्वेशन नंबर वन में एच टी की वैल्यू को पुट कर देते हैं। पहला इक्वेशन क्या था, एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। सो पुट कर दीजिए, हाफ जी की वैल्यू 10 और टी की वैल्यू 5, उसका स्क्वायर 25, ये आएगा एच इज इक्वल्स टू 125 मीटर। तो हाइट ऑफ द मीनार भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली, कितनी, 125 मीटर। तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको, ये कैसे सॉल्व हुआ। तो अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आईआईटी जेई का ही क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहा है यू इज इक्वल्स टू 0 और ए इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है किसी भी पार्टिकल के लिए, यानी विरामावस्था से, रेस्ट स्टेट से मोशन शुरू होता है और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। फिर ध्यान से सुनिए क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में। कह रहा है एन माइनस वन सेकेंड से टी इज इक्वल्स टू एन सेकेंड तक जो ट्रेवल डिस्टेंस है वो है एस एन। फिर हमसे कह रहा है कि आप एस एन अपॉन एस एन प्लस वन की वैल्यू को कैलकुलेट करके बता दो। तो इसको जरा ध्यान से देखते हैं। सपोज अगर एन की वैल्यू हम 10 पुट कर दें तो क्या मतलब हुआ, 9 सेकेंड से 10 सेकेंड तक। तो 9 सेकेंड से 10 सेकेंड का मतलब 10th सेकेंड। अगर 9 सेकेंड से 10 सेकेंड के बीच में ट्रेवल डिस्टेंस की बात करी जा रही है, इट मींस कौन सी बात हो रही है, 10th सेकेंड की बात हो रही है। अगर एन की जगह आप 20 पुट कर दो तो ये आएगा 19 सेकेंड से 20 सेकेंड के बीच। तो 19 सेकेंड से 20 सेकेंड के बीच का क्या मतलब हुआ, 20th सेकेंड की बात हो रही है। वैसे ही इन जनरल एन माइनस वन सेकेंड से एन सेकेंड तक का मतलब एनएथ सेकेंड की बात हो रही है। तो एनएथ सेकेंड में जो हम लोगों ने टीएथ पढ़ा था वही अभी यहां हमें एनएथ के फॉर्म में मिल रहा है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, एसएन। तो हम लोगों ने एस टीएथ पढ़ा था, क्या पढ़ा था फॉर्मूला, u प्लस हाफ ए टू टी माइनस वन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टीएथ की जगह यहां एस एनएथ होगा और कितना गिवन है, एसएन। u की वैल्यू कितनी है, 0, हाफ ए टू, ये जो टी है इसकी जगह क्या पुट करना होगा, हमें एन पुट करना होगा। तो एनएथ सेकेंड में ट्रेवल डिस्टेंस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एसएन है, हम लोगों ने फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूशन कर लिया, एस टीएथ की जगह एस एनएथ होगा और क्वेश्चन में वो कितना गिवन है, एसएन गिवन है, यू की वैल्यू 0 और टी की जगह कितना पुट कर देंगे, एन पुट कर देंगे। तो ये बताइए अगर ये एस एन की वैल्यू है तो हम एस एन प्लस वन की वैल्यू क्या यहां से नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसी इक्वेशन का फिर से यूज करेंगे और यहां पे एन की जगह कितना पुट कर देंगे, एन प्लस वन पुट कर देंगे। और इसका रेशियो पूछ रहा है तो रेशियो निकालने के लिए डिवाइड कर देते हैं, हाफ ए से हाफ ए कैंसिल, एस एन अपॉन एस एन प्लस वन कितना आ जाएगा, ऊपर आएगा 2n-1, नीचे 2n+2-1 यानी कि +1, और ये होगा हमारा आंसर। ऐसे ही 4 ऑप्शंस दिए गए थे, मैंने ऑप्शन तो नहीं लिखे हैं बट यही जो है वो सही होगा। ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया आपको। अब एक क्वेश्चन और देख, ये क्वेश्चन भी बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है बहुत ही ध्यान से देखिए, दो पार्टिकल्स हैं ए और बी, दोनों ही रेस्ट से यानी यू इज इक्वल टू 0 से अपनी जर्नी को शुरू करते हैं, बट दोनों का जो एक्सेलरेशन है वो अलग अलग है। पहले वाले का एक्सेलरेशन ए1 है और दूसरे वाले का एक्सेलरेशन ए2 है। फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए जैसे ही अपनी जर्नी शुरू करता है आप टाइम को मेजर करना शुरू कर दो। माने टाइम हमें कहां से लेना शुरू करना है, जब ए अपनी जर्नी को स्टार्ट कर देता है। और फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि ए जब अपनी जर्नी को शुरू करता है उसके ठीक 2 सेकेंड बाद बी अपनी जर्नी को शुरू करता है, यानी दोनों की जर्नी एक साथ शुरू नहीं हो रही है, ए आगे निकल जाता है फिर 2 सेकेंड बाद बी अपनी जर्नी को शुरू करता है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि ए जब अपनी जर्नी को शुरू करता है तो 5th सेकेंड में, कौन सा सेकेंड की बात हो रही है, 5th सेकेंड में, वो जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है किसकी बात हो रही है, ए की, कौन से सेकेंड की बात हो रही है, 5th सेकेंड की।
तो क्वेश्चन में कह रहा है ए जब अपनी जर्नी शुरू कर देता है तो फिफ्थ सेकेंड में उसके द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस और उसी टाइम बी द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस आपस में इक्वल है, और हमसे कह रहा है कि आप ए वन रेशियो ए टू को कैलकुलेट करके बता दो। क्वेश्चन क्लियर हो रहा है? ये बताइए अगर ये अपनी जर्नी के फिफ्थ सेकेंड में होगा और इसकी जर्नी 2 सेकेंड बाद शुरू हुई है तो क्या उसी टाइम पे ये अपनी जर्नी के फिफ्थ सेकेंड में होगा? नहीं, ये अपनी जर्नी के थर्ड सेकेंड में होगा। क्यों? क्योंकि इसकी जर्नी 2 सेकेंड बाद शुरू हुई है, तो जब वो फिफ्थ सेकेंड में होगा तब ये अपनी जर्नी के थर्ड सेकेंड में होगा। तो थर्ड सेकेंड में इसके द्वारा जो ट्रेवल डिस्टेंस है यानी एस थर्ड, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसके एस फिफ्थ के इक्वल है। सोचिए जरा, इसके तीसरे सेकेंड में ही ट्रेवल डिस्टेंस उसके फिफ्थ सेकेंड में ट्रेवल डिस्टेंस के इक्वल हो गई, इट मींस इसका एक्सेलरेशन जब भी होगा उससे ज्यादा होगा। तो जब हम ए वन अपॉन ए टू निकालेंगे तो यहाँ डिनोमिनेटर में वैल्यू बड़ी होगी और न्यूमरेटर में वैल्यू छोटी होगी। ये एनालिसिस आपको समझ आ रहा है? तो अगर पहले वाले के लिए हम एस फिफ्थ कैलकुलेट करें तो एस फिफ्थ कितना होगा? यू के वैल्यू तो जीरो है, हाफ ए टू, टी की वैल्यू कितनी पुट करेंगे? 5 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हाफ ए, ए की जगह ए वन है, पहले वाले का एक्सेलरेशन ए वन है, तो ये आ जाएगा हाफ ए वन और यहाँ आएगा 9। उसी तरह से सेकेंड वाले यानी बी वाले पार्टिकल के लिए एस थर्ड कैलकुलेट करते हैं, ये कितना होगा? हाफ एक्सेलरेशन ए टू, यू की वैल्यू जीरो हो गई है, 2 इंटू टी की वैल्यू कितना पुट करेंगे? 3 माइनस 1, तो ये कितना जाएगा? ये आएगा हाफ ए टू और यहाँ आएगा 5। क्वेश्चन के अनुसार ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। तो अगर हम इन दोनों को इक्वल करें तो क्या मिलेगा? हाफ ए वन इंटू 9 इज इक्वल टू हाफ ए टू इंटू 5, तो हाफ से हाफ कैंसिल, यहाँ से देखिए ए वन अपॉन ए टू की वैल्यू हमें मिलेगी 5 अपॉन 9। यहाँ भी आप देख सकते हैं A2 की वैल्यू A1 से क्या है? ज्यादा है, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से ज्यादा है, तो यहाँ जो एक्सेलरेशन का रेशियो है वो 5:9 होगा। तो चलिए अब इस वीडियो में यहीं पर रहने देते हैं। आई होप इतने एग्जाम्पल से और फॉर्मूले के डेराइवेशन से आपको टीएथ सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल का जो फॉर्मूला है वो क्लियर हुआ होगा।